दमोह की सड़कों पर शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग को लेकर उतर आए। दरअसल संगठन जिले में चल रहे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतों के बाद विरोध में उठ खड़े हुए हैं। मूक बधिर बच्चों को कैद कर आश्रम में रखा गया था, तो ये मिशनरियों द्वारा जो काफ़ी लंबे समय से दमोह के दलालों की मिलीभगत से, जिला प्रशासन की मिलीभगत से जो धर्मांतरण करवाया जाता है, इसके विरोध में आज दबो बंद है। अभी कुछ समय पहले बिलवारी मोहल्ला में शिवजी की प्रतिभा को खंडित कर दिया गया है, और प्रशासन अगर अतिक्रमण नहीं हटाता है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उस अतिक्रमण को स्वयं हटाएंगे। मामला यहीं नहीं रुका, इन संगठनों के साथ बीजेपी नेता भी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। खुद दमोह बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर आए और खुलकर शासन प्रशासन पर तीर चलाए। जिलाध्यक्ष का आरोप है कि दमोह में खुलेआम गौ तस्करी और धर्मांतरण का खेल चल रहा है। दमोह में विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण जैसे केसों का आना और उसके बाद गौ हत्या जैसे, इस दमोह में गौ हत्या एक चरम सीमा पर जो गोवध चल रहा है उसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में एक रोष व्याप्त है और शासन प्रशासन मौन है। इधर पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज सुबह से खुला हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सभी यहां पर उपस्थित हैं। अभी हिंदू संगठन द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, उनके द्वारा विभिन्न मांगे हैं कि जो विगत घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर उनकी जो मांगे हैं, तो उसको माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को संबोधित करके ये ज्ञापन आज संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जो उचित माध्यम से ये जो संकोच जो मांगे हैं इनकी और जो ये इन्होंने आज अपनी सारी ये लेख किया है, यह कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रेषित कर दिया जाए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।